ठीक है मैम, ठीक है। राइट right. क्या सभी देख पा रहे हैं? सर ब्लर आ रही है सर ब्लर है। ब्लर है यस सर ब्लर आपके यस ब्लर आ रही है। यहाँ से तो साफ है आपके। क्या सबकी ब्लर आ रही है? सर यस ब्लर आ रही है। यस सर यस सर ब्लर के साथ है। यस सर एक सेकेंड रुकिए। ये ठीक हो गई। एक अब थोड़ा ठीक हुआ सर अभी अभी हुआ था तो चला गया। सर ठीक है सर। यस सर ठीक है। ठीक है ओके ठीक है ओके। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी 10th की आज पहली क्लास है। उम्मीद तो नहीं करी थी इस तरीके से शुरुआत होगी, बट नंदलेस शुरुआत हुई है। अच्छी तरह करेंगे राइट। तो आज से सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के आगे मैंने एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया है, जो बेसिक हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट हमने बनाई है। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा बैकग्राउंड या हिस्ट्री पढ़ेंगे राइट। अब थोड़ा क्लियर है क्या बच्चों? यस सर क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड भी देखेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज हम जितनी भी होंगी 6-7 वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा ओलंपियाड से रिलेटेड हम कूलम्स लॉ करेंगे। ये सिर्फ ओलंपियाड से रिलेटेड होगा, तो मतलब पहले से आप मार्क कर लीजिएगा ताकि जब आप सीबीएसई की तैयारी करें तो थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का राइट। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वो मुझे बताता चले, और जो चीजें मैं बता रहा हूं किसी ने आपको म्यूट कर दिया है। ओके मैम ओके। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो चैप्टर वन है, ये वाला जो चीजें हैं, ये आप अपने फर्स्ट पेज पे एनलिस्ट करिएगा राइट। पर्व जैन, पर्व आपको नहीं आ रहा क्लियर बेटा? सन्नू बाकी सबको क्लियर आ रहा है? नहीं सबको क्लियर आ रहा है। ये सर क्लियर है। वेट अ मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, होप सो इससे हो जाए। एक सेकंड डोंट वरी।
बेटा अभी भी ब्लर आ रहा है या क्लियर है? सर क्लियर आ रही है। क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है सभी को? यस सर। ओके फाइन। यस सर क्लियर। मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करता हूँ। ये आपका चैप्टर फर्स्ट रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके अंदर पहले मैंने आपको लिस्ट बता दी है कि ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, अभी पूरा धीरे धीरे करके मैं आपको फिनिश तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम चार्ज पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हम चार्ज की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे, हैं। इसके बाद हम कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। आप ये सारी चीजें अपने नोटबुक के अंदर फर्स्ट पेज पे, चैप्टर जब स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट पेज पे आप ये सारी चीजें लिखेंगे, राइट। क्योंकि ताकि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले ये चीजें देखें, ताकि आपको ये कन्फर्म रहे कि आपको क्या रिवाइज करना है। बेटा जिसकी क्लियर नहीं आ रही, मुझे लगता है एक बार आप अपना इंटरनेट एक बार चेक करिए। अब ज्यादातर बच्चों की क्लियर है, राइट। क्लियर है सर। ओके, तो सबसे पहले हम चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें हम चार्ज की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट। इसके बाद हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ आपका स्कूल के अंदर नहीं होगा, ये ओलंपियाड्स के रिगार्डिंग है, प्लीज इसको वहीं पे मार्क कर लीजिएगा, ताकि आप जब स्कूल की प्रिपरेशन करें तो उसको अलग आप दिखा सकें। उसमें आपको ध्यान रहे कि ये वाली चीज अलग है, राइट। इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे करंट की, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, राइट। इसके बाद ओम्स लॉ, फिर हम रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। फिर हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उन रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे, राइट। फिर हम सर्किट डायग्राम्स देखेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल और उसके कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे वो सब देखेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद लास्ट में पावर होगा। हर एक लेक्चर के बाद आपकी एक डीपीपी अपलोड हो जाएगी, जो आपको मतलब अगले लेक्चर से पहले सॉल्व करनी है, राइट। और जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड डीपीपी होगी, तो कोशिश करिएगा कि लेक्चर को ध्यान से पढ़ें। अगर आपका ध्यान थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आता, तो ये जो लेक्चर होगा वो अपलोड भी होगा, तो वहां से आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर पढ़ाते पढ़ाते कोई आपको डाउट आते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहीं के वहीं मेरे से पूछ ले, मैं आपको वहीं के वहीं साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा, राइट। कुछ अगर इससे अलग, अच्छा अलग अगर डाउट रहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो चैट बॉक्स है। जब तक वो सारे मैसेजेस मैं पढ़ के क्लियर, मतलब आपको डाउट्स ना क्लियर करूं, तब तक मैं जो चैट है वो खत्म नहीं करूंगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम चार्ज पे, तो अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड जाता है करीबन 600 BC के पास। 600 BC, सबने नोट कर लिया बेटा ये सब? सबने नोट कर लिया? एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। सर हो गया, सभी का हो गया? यस सर। सर नो सर। हाँ आराम से करिए, करिए बेटा करिए, एक मिनट दे रहा हूँ, आराम से कंप्लीट करिए। सर राइट, क्या सभी को क्लियर है? सबने लिख लिया? यस सर। यस सर, डन। ओके, नाउ अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो चार्ज की जो सबसे पहले बात करी गई थी, जो चार्ज की सबसे पहले बात करी गई थी वो अप्रोक्सीमेटली 600 BC के आसपास बात करी गई थी। यहाँ पे एक थैलेमस करके एक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, या एक कोई आदमी कह सकते हैं जिसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है,
उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक एम्बर होता है, एम्बर एक ज्वेलरी होती है राइट, जो जनरली वुड से बनी होती है, जो पुराने वुड होता है उससे बनी होती है। अगर आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी तो उसके अंदर एक जिसमें मच्छर को फ्रीज किया होता है एक पर्टिकुलर, जिस लाठी के अंदर उसने एक बॉक्स के अंदर एक मच्छर फ्रीज होता है एक पर्टिकुलर उसके अंदर, अगर किसी ने देखा हो तो उसको याद रहेगा। ये जनरली एम्बर यूज होता है ज्वेलरी के अंदर पुराने टाइम में राइट। तो वो एम्बर, एम्बर को उसने क्या किया, उसने कैट के फर के साथ रगड़ा, एक्चुअली उसने कैट थी उसके पास तो उसने उसके फर के साथ रगड़ा, तो दो चीजें हुई उसने देखा, एक तो कैट अनॉय हुई, कैट अजीब अजीब से आवाजें निकालने लग गई, और दूसरा उसने देखा कि जो एम्बर था वो उसकी जो खाल है उसके साथ चिपक रहा था राइट, जैसे जैसे वो उसको रगड़ने के बाद उसको हटा रहा था तो उसके जो उसकी खाल थी उसके साथ चिपक रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ महसूस किया कि ये कुछ है राइट। 1600 इसके बाद डायरेक्टली अगर हम 1600 AD के आसपास आ जाएं तो जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी वहां पे भी लेडीज जो एम्बर की ज्वेलरी पहनती थी वो क्या करती थी, अब जो उन्होंने मतलब कपड़े वगैरह पहने होते थे वो फर वगैरह के पहने होते थे, तो वो भी अपनी एम्बर की ज्वेलरी को फर के साथ रगड़ के वहां पे बैठे जो मतलब आसपास अगर फ्रॉग होते थे, जो फ्रॉग्स होते थे उनको टच करा करती थी, तो जब टच करती थी तो अगेन कुछ चीज होती थी जिसकी वजह से जो फ्रॉग होते थे वो उछलने लग जाते थे राइट। अब ये देख के लोगों को बहुत मजा आता था। तो बेसिकली जब इनके बारे में थोड़ा और समझा गया तो अप्रोक्सीमेटली 1750 के अंदर फ्रैंकलिन जो हैं एक साइंटिस्ट हुए थे, तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया, उन्होंने कुछ एक इस तरीके से समझाया कि ये जो होता है ये होता है एक फायर, एक तरीके की होती है, एक पर्टिकुलर फायर की वजह से होता है। उसमें कहा कि ये जो फायर है किसी में तो एक्सेस फायर होती है और किसी में डेफिशिएंसी होती है उस फायर की, तो किसी में एक्सेस फायर होती है और किसी में डेफिशिएंसी होती है फायर की। जिसमें एक्सेस होती है उसको उन्होंने पॉजिटिव बोला गया, जिसको जिसमें डेफिशिएंसी होती है उसको नेगेटिव बोला गया। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है? राइट तो एक्सेस और डेफिशिएंसी इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। बाद में चल के हमने देखा कि एक एटम के अंदर, एक एटम हमने जब बाद में हमने देखा तो एक एटम के अंदर उसका जो सेंटर होता था वो पॉजिटिव होता था और जो बाहर घूमते थे वो कौन घूमते थे, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को हमने आज की टर्म्स में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन बोला। सर व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? फ्रैंकलिन बेटा, 1750 में फ्रैंकलिन। राइट, अभी ये सिर्फ हिस्ट्री है, इसमें इन साइंटिस्ट का नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इट्स जस्ट रिलेट करने के लिए कि कैसे कैसे आगे आगे चीजें प्रोग्रेस हुई, फॉर दैट ये बस आपको समझाने के लिए बता रहे जा रहा है। राइट, सर एम्बर क्या है? एम्बर बेटा मैंने अभी बताया कि एक जो पेड़ होते हैं, पुराने जो पेड़ होते हैं जैसे हमारा पेट्रोलियम वगैरह बनता है बहुत टाइम किसी चीज के नीचे दबके, वैसे ही एम्बर एक पेड़ों से निकल के बनता है, तो इसको जनरली ज्वेलरी के फॉर्म में यूज किया जाता है। मतलब पुराने जो पेड़ थे उनके साथ कुछ प्रोसेसेस हुई जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एम्बर बनता है। राइट, ओके नाउ अब तो नेगेटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन बोला गया और जो पॉजिटिव चार्ज थे इसको हमने प्रोटॉन बोला। तो नेगेटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन बोला और पॉजिटिव चार्ज को हमने प्रोटॉन बोला। अर्लियर हमने ये माना जाता था कि जो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, ये जो एक्सेस वाली चीज है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कर रहा है, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। इस वजह से एक बेसिक प्रॉब्लम आई थी जो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद जब करंट के फ्लो के अंदर बताएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। राइट, तो यहां तक हमारा जो बेसिक था। नाउ अब अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज है इसको हम क्या कहेंगे, तो एक चार्ज है उसको एक्चुअल में चार्ज हम कब कहेंगे, तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, अगर कोई एक ऐसा मैटर है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, अगर कोई ऐसा मैटर है
जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है तो उसे हम चार्ज कहते हैं। क्या सभी को क्लियर है? तो चार्ज की अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है उसे हम चार्ज कहते हैं। अब जैसे हमने ऊपर देखा तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बाद में पता लगा तो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन कहा गया और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके अब इनका जो अब जो चार्ज है इसकी मतलब इसको काउंट कैसे करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, COU, कूलाम, राइट। और जनरली इसे स्मॉल में कैपिटल सी लिखते हैं, सिंगल लेटर में कैपिटल सी लिखते हैं। चार्ज को कूलम्स के अंदर मीजर किया जाता है। तो जब मीजर किया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज होता है वो माइनस का, लेकिन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सभी ने नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। ओके। यस सर। ये चार्ज था प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज तो अभी हमने देखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। प्लस हो जाएगा प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। अब इसमें एक चीज जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है वो है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, जैसे डीपीपी वगैरह मैंने दिए उनमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ओलंपियाड में कभी कभार ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और उनपे मास नहीं दे रखा होता, तो आपको याद रखना होगा। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो मास डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर आपको आर्बिट्रेरी इनका डिफरेंस अगर समझाना हो तो आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर मैं इन दोनों को 10 की पावर 31 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 9.1 किलोग्राम। मैंने क्या किया है मास, ये अप्रोक्सीमेट बताना चाह रहा हूं मैं, राइट। मैंने क्या किया है, इसको 10 की पावर माइनस 31 से दोनों को प्लस 31 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 31 से 31 तो सीधा कैंसिल हो गया। वही मास ऑफ प्रोटॉन जो अप्रोक्सीमेट हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम। तो आप देखेंगे कि ये तो अप्रोक्सीमेटली 9 किलोग्राम के आसपास होगा जबकि ये अप्रोक्सीमेटली 16,000 किलोग्राम के आसपास होगा। क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। सुनील बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ जो प्रोटॉन है
उसके अंदर हमने क्या किया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन थे, लेकिन अब ये इस तरह से समझ में नहीं आता कि किसका मास कितना ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 10 की पावर दोनों के अंदर 10 की पावर 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि एक आपको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। तो 31 से मल्टीप्लाई किया, 31 से 31 कैंसिल हो गया, तो ये 9 किलोग्राम रह गया। सिमिलरली यहाँ पे 31 से किया तो 27 और 31 तो 4 रह गया। इससे समझ में क्या आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 9 किलोग्राम का है तो प्रोटॉन का मास 16,000 किलोग्राम है। इस तरीके का डिफरेंस है ये। इसका मतलब जो एटम होता है उसके अंदर जो ज्यादातर मास होता है वो किसका होगा, बच्चे बताएं? प्रोटॉन सर। प्रोटॉन राइट। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी करीबन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक्चुअल में जो मास होता है पूरे एटम का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। राइट। यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो प्लस 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 होगा। राइट। अब एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पीछे एक एटम का डायग्राम बनाया था, मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं। तो हमने देखा है ये हमारा न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके आसपास जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं। ये आसपास हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं। अब अगर हम इसका साइज देखें तो न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम एटम का हमारा साइज देखते हैं तो ये होता है 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 12 और एटम का साइज 10 की पावर माइनस 18 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। अगेन जैसे मैंने मास के अंदर किया था 10, जो सबसे बड़ी पावर थी उससे मल्टीप्लाई किया था, जैसे माइनस 31 था तो मैंने प्लस 31 से मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली मैं इसके अंदर भी अब माइनस 12 है तो मैं देखिए साइज ऑफ एटम 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों के अंदर हम अगेन मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 12 से, क्योंकि 12 बड़ी है, राइट, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 10 की पावर 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है, तो मैंने 100 मल्टीपल अलग अलग कर लिए, तो ये 100 मीटर रहेगा और यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो अगर आप एक तरीके से समझने के लिए देखें तो स्केल को अगर आप देखेंगे तो देखिए 10 से 1 सेंटीमीटर ये सिर्फ इतना है मेरी उंगली के बराबर, राइट। तो अगर न्यूक्लियस को मेरी उंगली मानेंगे तो 100 मीटर इस मतलब मेरी उंगली से 50 मीटर के अप्रोक्सीमेट रेडियस के अंदर जितनी भी जगह होगी इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है क्या, कि अगर एक एटम के अंदर देखें तो ज्यादातर स्पेस खाली होगा। क्या ये सबको समझ में आया कि मैंने ये सब क्यों कहा कि ज्यादातर स्पेस खाली होगा? दोबारा बता दो। देखिए क्या बेटा, सर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रिपेल नहीं करते एक दूसरे को? हाँ बेटा करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक ज्यादा उनसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो उन्हें बाइंड रखती है। ओके ओके सर। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो उनको बाइंड रखती है, राइट। जैसे इनके बीच में जो फोर्स होती है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे, राइट। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो वो उनको बाइंड रख। नाउ मैं क्या कह रहा था दोबारा एक बार सुनिए, कि न्यूक्लियस एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर
अभी हमने देखा कि सारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो सारा जो मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर, सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर हमारा रहता है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमने, अब जो एटम होता है उसका साइज तो 10^-8 सेंटीमीटर है, लेकिन न्यूक्लियस 10^-12 है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी जगह में है, क्योंकि मैंने जब इसको स्केलिंग करके, हमारे लेवल की स्केलिंग करके देखा कि हम जितनी चीजें देख सकते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें, तो हमने देखा कि 10^12 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10^4 सेंटीमीटर आया साइज ऑफ एटम, जो कि 100 मीटर होता है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज मेरी एक उंगली के बराबर है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 50 मीटर के रेडियस में कहीं पे भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब वो 50 मीटर का एरिया क्या सारा खाली होगा? क्या सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया था, राइट? तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो सारा स्पेस है वो बिल्कुल खाली है, लेकिन इसका मतलब एक दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने इस पेन को होल्ड कर रखा है तो ये पेन मेरे आर पार चले जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सारा ज्यादातर स्पेस खाली है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज को रिपेल करता है वो इस पेन को मेरे हाथ के थ्रू पास नहीं होने देता। क्या आप लोगों को ये चीज छोटी सी समझ में आई? थोड़ी ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई ये वाली चीज? क्योंकि हम सब एटम से बने हुए हैं, हम सब प्रोटोन से बने, हम सब न्यूक्लियस से बने हैं, हम सब इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, हम सबके अंदर यही वाला साइज रहेगा, राइट? तो अब होता क्या है कि अगर मैं किसी पेन को होल्ड करता हूं तो ये पेन जो है वो मेरे हाथ की वजह से, हम देख पाते हैं कि हमारे हाथ की वजह से एक्चुअली ये स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पेन का जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो मेरे हाथ के अंदर न्यूक्लियस, जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगा वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक गैप बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो पेन है वो आर पार नहीं जा पा रहा। क्या सभी को क्लियर है ये छोटी सी चीज? यस सर। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। अभी हमने चार्ज देख लिया क्या होता है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या आपने भी पुरानी शीट में जो भी था वो सब लिख लिया था? मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत? यस सर, लिख लिया था। ओके, तो अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहला तो हमने देख ही लिया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसमें हमने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिसे हम कहेंगे सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, वेयर एज ओपोजिट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वेयर एज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। राइट, ओके। अब मैं थोड़ा एक भारी सा वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, इससे डरना मत प्लीज, ठीक है? एक वर्ड होता है क्वांटाइजेशन। एक क्वांटा से निकला है, क्वांटा मतलब पैकेट होता है, क्वांटा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? जब हमने चार्जेस को स्टडी किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हमें नहीं मिला। जो हमने चार्जेस को स्टडी किया तो हमने देखा कि मुझे इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं मिला। इसका मतलब 1.6×10^-19 कूलम से छोटा चार्ज नहीं मिला। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है इतना? यस सर। राइट, तो
एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इससे छोटा चार्ज नहीं मिला, राइट? इसका दूसरे तरीके से देखें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हमें मिले उनका सबका चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ था। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि, हाँ बेटा सर, क्वांटा मीन्स बेटा पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट होता है, ओके, मतलब एक सिंगल पैकेट, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर ये चार्ज रहेगा, ये बस उसका बाइफर्केशन था। जैसे क्वांटाइजेशन किससे मिलके बना, तो क्वांटा एक वर्ड होता है, जनरली ये लाइट के लिए यूज किया जाता है, तो आप 11th 12th क्लास के अंदर लाइट पढ़ते हैं तो उसमें क्वांटा ऑफ लाइट कहा जाता है, तो लाइट पार्टिकल्स के लिए बोला जाता है वैसे, राइट? तो पैकेट्स होते हैं एक तरीके के, तो हमने कह दिया कि चार्ज भी एक तरीके का पैकेट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने एक पार्टिकल माना है और पार्टिकल का चार्ज है, तो उस पार्टिकल के अंदर ये इस चार्ज से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्या सभी को क्लियर है? अब इसका मतलब देखें तो क्या होगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं बता सकता हूं कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगर मुझे ये देखना है कि एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तो मैं ये देखूंगा कि उस बॉडी के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कितने ज्यादा प्रोटॉन है। क्योंकि जनरली हमने क्या देखा है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं से, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से जितने भी हमारे गैसेस होती हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनको चार्ज किया जाता है अलग अलग प्रोसेसेस से, लेकिन जनरली सब हमारे न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है? तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, क्या आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब भाई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ तो ज्यादा होगा। हो सकता है भाई किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो और 10 प्रोटॉन हो, तो 9 इलेक्ट्रॉन ने तो 9 प्रोटॉन का चार्ज काट दिया, तो क्या एक ही प्रोटॉन होगा जिसका चार्ज आएगा उस बॉडी के ऊपर? यस सर। वो जो एक प्रोटॉन होगा उसका एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, yes, sir. और वो उस बॉडी का चार्ज हो जाएगा। क्या आप लोगों को क्लियर है? yes, तो इस फॉर्मूले को कहते हैं Q is equal to plus minus ne, where plus और minus जो होता है वो साइन दिखाता है हमारा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। N दिखाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या और नेगेटिव दिखाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या सभी को क्लियर है? और E का मतलब तो होता है हमारा चार्ज, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जो हमारा E जो अभी हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं वो होगा, राइट? इसको दूसरी तरीके से, एक और चीज तरीके से समझने के लिए कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास ₹1 के सिक्के हैं, आपके पास ₹1 के सिक्के हैं, और आपसे अगर ये बोला जाए कि ₹1.5 बनाइए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? No, sir. आपके पास ₹1 के 10 सिक्के हैं और कोई आपसे बोले 10 कॉइन्स हैं और आपसे बोले कि ₹1.50 बनाइए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? No, sir. नहीं होगा, राइट? तो यही समझने वाली बात है कि जब भी कोई चार्ज होगा तो वो चार्ज इससे छोटा नहीं हो सकता और इसके बीच में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर हम देखें तो 1.6 × 10⁻¹⁰ कूलम्स चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 19^20 से बड़ी है ये ज्यादा छोटा हो गया 1.6 × 10⁻¹⁰, तो इसलिए ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होगी। वहीं अगर कोई कहता है 2 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा 1.6 था। अगर दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर से दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे,
तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू मैं इलेक्ट्रॉन बोला मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, N की जगह 2 आ जाएगा और E आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹. क्या सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर यस सर यस सर एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बोलो बेटा सर ये चार्ज बड़ा भी हो सकता है? बड़ा कैसे? हाँ कितना बड़ा तो कितना भी हो सकता है बेटा, छोटा नहीं हो सकता. ये अब इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ाते चले जाओगे वो चार्ज अपने आप बड़ा होता चला जाएगा. 1 कूलम भी होगा, 2 कूलम भी होगा, 3 कूलम भी होगा, वो तो आगे होगा. yes. लेकिन इनसे छोटा नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज थी. ओके सर. राइट. अब जैसे किसी ने कहा 2 × 10⁻¹⁹ हो सकता है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं. तो 1.6 × 10⁻¹⁹ था, तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होगा, तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने माइनस चार्ज लगा दिया, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. 1.6 तो 1.62 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो हमने देखा कि भाई 1.6 के बाद तो सीधा 3.2 आता है, 1.6 के बाद सीधा 3.2 × 10⁻¹⁹ है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर. राइट. तो इसका मतलब n जो होगा वो हमारा हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर होंगे, जिसे हम इंटीजर कहेंगे. तो n will always be an integer. क्या सभी को क्लियर है? सर हम बोलो बोलो. सर हम पॉजिटिव का इस्तेमाल कब करेंगे? बेटा वो क्वेश्चन के ऊपर देख के करना पड़ेगा. क्वेश्चन में बोला गया होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे. अभी उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन. सर हमने लिखा है वहां पे कि q is equal to plus minus ne, तो सर e की जगह पे, तो फिर e की जगह पे तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही होता है, तो इसीलिए मैंने e लिखा है उसमें. अच्छा सर, उसमें हम प्रोटॉन का भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, वो बेटा प्लस माइनस लगा दिया ना, वो तो मैंने पहले ही मैंने यही तो बताया था कि जब प्रोटॉन होगा तो प्लस ले लेंगे, नेगेटिव हट जाएगा. ओके. हाँ क्लियर है क्या बेटा? सर एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? क्या बेटा एलिमेंट्री चार्ज? बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं. ओके सर. जो प्रोटॉन होता है इन्हीं को एलिमेंट्री चार्जेस कहते हैं. क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो अब हमारा जो फॉर्मूला yes, है हो गया q is equal to plus minus ne, where n is an integer, e जो होगा वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, n जो होगा वो integer होगा, वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और plus minus negative ये positive और negative charge को देखते हुए आप लोगों को लगाना है. q जो होगा वो total charge होगा. एक second. Okay. जो q होगा वो होगा total charge. बेटा कहीं भी ना दिखे और मैं नीचे की तरफ चला जाऊं तो मुझे एक बार बता दिया करो. राइट. तो आप सभी एक बार ये लिख लीजिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर जैसे जो प्रोटॉन्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्वार्क से होती है सर, डायन क्वार्क. एक्चुअली हाँ, मैं वो वाली चीजें अभी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. नहीं सर, क्वांटिटेशन से डाउट था. तो सर फिर सबसे छोटा चार्ज अगर उसका होता तो सर हमने वो क्यों नहीं लिया? बेटा वही मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड का फर्क है. अभी आपका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है, इसलिए वो चीजें बताई नहीं जाती. ठीक है. अभी आपके लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे, अप क्वार्क डाउन क्वार्क को नहीं बता सकते. राइट. तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि फिर वही क्यों लिया, क्योंकि 12th तक भी आपको सिर्फ यही करना है. ठीक है. ओके सर. डाउन क्वार्क भी अगर आएगा तो वो किसी और, मतलब वैसे इसका प्लस माइनस क्यू बाय मतलब चार्ज का 1/3 होता है, लेकिन वो अलग तरीके से आता है, वो इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाएगा. तो आपको हमेशा याद यही रखना है कि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. राइट. ओके सर. राइट. क्या सभी ने लिख लिया बेटा? यस सर. ओके. यस सर. ओके. तो अब इसी फॉर्मूले को आगे अगर हम बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो अब हम कहते हैं अगर 1 कूलम चार्ज के अंदर, बताइए 1 कूलम सी 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई हमसे ये पूछे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए. तो हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई. अब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन देखना है, तो भाई मैं 1 कूलम Q की जगह -1C लगा दूंगा. क्या सबको ये चीज समझ में आती है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी है?
क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सही है तो मुझे माइनस ही लगाना पड़ेगा, राइट right? इसके बाद एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो मुझे निकालना ही है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट right? और प्लस माइनस लगता था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं माइनस ही लगाऊंगा, माइनस से माइनस कैंसिल. तो 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा. तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन कूलम, ये कूलम से कूलम भी कट जाएगा तो ये एन रह जाएगा. 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 1.6. इसको अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 18. क्या सभी को बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर. किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है यहाँ तक? ओके. तो पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा. फोर से डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 4 = 425. इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18. तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर. क्या सभी को क्लियर है? तो ये काफी चीजों में, काफी जगहों में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 कूलम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं. तो आप लोगों को ये वाली क्वांटिटी याद होनी चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशनड है, तो ये 100% आप लोगों को याद होनी चाहिए. क्या सभी को क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके राइट. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये अब आप लोग खुद करें कि 25 कूलम्स के अंदर फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो चलिए आप खुद करिए और मुझे आंसर बताइए, 25 कूलम्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? बाकी सब भी मैच करें, आपस में मैच करो. क्या सबका यही आया है? यस सर. यस सर. सभी कैलकुलेट करें, सभी करें. सभी की आवाज नहीं आई अभी मुझे. सर हो गया. यस सर. सर सब यस सर. ओके सर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर हो गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, क्या पॉसिबल है? सर नो. नो सर. नो सर. नो पॉसिबल. नो सर. पॉज हो गया क्या, कुछ दिक्कत? नो सर. नो सर. नो नो सर. स्क्रीन पॉज हो गई, एक सेकंड होल्ड करेगा, पता नहीं स्क्रीन पॉज हो गई. सर सही है? नहीं बेटा, स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रही है, मतलब मेरी स्क्रीन है. मैं एक मिनट लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ, शोर मत करना, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूँ.
अरे सभी को दिखाई दे रहा बेटा? यस सर। ओके वी आर यस सर राइट यस सर। ओके 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 ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला था मैंने कि 3.1 × 10⁻¹⁹ कूलम जो है, क्या ये पॉसिबल है? नो। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। क्या सभी को क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ओके। इसके बाद अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई क्वांटाइजेशन की, राइट? इसके बाद हमारी आती है सेकंड प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? पहले हमने पॉजिटिव चार्ज, क्वांटाइजेशन, राइट। इसके बाद हमारी तीन हमारी हो गई है, राइट। तो फोर्थ वन जो आएगी, फोर्थ, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? सभी को दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जनरली जैसे हम क्या कहते हैं कि मान लो एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, और ए के पास से फॉर एग्जाम्पल +5 कूलम चार्ज है और बी के पास हम कहते हैं कि -3 कूलम चार्ज है। क्या आप लोगों को क्लियर है यहां तक? ए के पास +5 कूलम है, बी के पास -3 कूलम है। हमने इन दोनों को जोड़ा और फिर अलग किया, तो जब अलग किया तो ए के पास हो गया 0 कूलम, ए के पास कोई चार्ज नहीं रहा, तो बी के पास कितना चार्ज होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हम देखते हैं ए और बी के अंदर नेट चार्ज कितना था। तो नेट चार्ज ऑफ ए, तो क्यू ए प्लस क्यू बी कितना था? तो हमने देखा क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए था +5 कूलम जबकि क्यू बी था -3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना था? 2 कूलम। क्या सभी को यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ yes, अब मुझे क्या बोला गया कि ए पे 0 कूलम है, बी पे कोई चार्ज, बी पे हमें चार्ज पता करना है। तो हमने क्या किया, अगेन क्यू ए, ये क्यू ए डैश मैं नया दे रहा हूं इसको, क्यू बी डैश, ये दोनों इक्वल होना चाहिए था 2 कूलम्स के। नाउ क्यू ए मुझे पता है कि मुझे बता रखा है 0 कूलम है, तो क्यू बी डैश कितना हो जाएगा? 2 कूलम्स के बराबर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? राइट। वैभव और हेमा ने पहले ही आंसर दे दिया था, गुड बेटा। तो यहां तक क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों को समझ में आया है? यस सर। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ये कहते हैं कि ना तो कोई भी चार्ज जीता मतलब मरता है, ना कोई जीता है, ये कंसिस्टेंट है, जो यूनिवर्स में कंसिस्टेंट रहते हैं, राइट?
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं हम इनवेरियंस। ये वाली प्रॉपर्टी जस्ट आप नॉलेज के लिए ध्यान रखें, इसका कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में और ना कि आपके सिलेबस के अंदर कोई भी ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन जस्ट एक ध्यान रहे कि ये प्रॉपर्टी भी होती है, ये 11th या 12th में आपके काम आएगी। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, कि जब एक चार्ज मोशन के अंदर होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से चलते हैं अगर वो फ्री हैं, एक एटम के एक अगर हम कहें मटेरियल के अंदर फ्लो का, जनरली जब इधर से उधर वो भागते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड की वजह से इनका जो चार्ज होता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज हैज नो इफेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह से चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का अगर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम है तो ये हमेशा वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मतलब वैसे किस लिए पढ़ाया जाता है, तो बेटा जब कोई बॉडी मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स, कोई भी बॉडी होगी, व्हेन अ बॉडी मूव्स, अगर वो हाई वेलोसिटीज पे मूव करती है, हाई वेलोसिटीज पे, तो जो उसका मास होता है वो चेंज हो जाता है, मास चेंजेस, और चेंज ही नहीं एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, राइट। इस यही चीज अगर मैं चार्ज के रिगार्डिंग देखूं इलेक्ट्रॉन के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है बहुत ज्यादा हाई स्पीड्स पे तो उसका मास तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी। क्या ये बेटा सबको समझ में आया ये वाली चीज छोटी सी? अगेन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जिसको थोड़ा भी शक हो, कि इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो जो चार्ज होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मास पे फर्क पड़ता है, राइट। जब कोई भी बॉडी हाई वेलोसिटीज पे जाती है तो मास पे फर्क पड़ता है लेकिन चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। तो शुरुआत में जब हमने पहले हमने चार्ज के बारे में लिखा था, जब सबसे फर्स्ट पेज मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें इसके एसआई यूनिट, टाइप्स ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्शन, क्वांटाइजेशन और ये सब भी हमने पढ़ लिया है। क्या सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। यस राइट। यस सर। ओके यस सर। वापस से एक बार इलेक्ट्रॉन जो एटम का डायग्राम है मैं जरा उसके ऊपर आता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आए बेसिक चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जनरली जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। तो जब एक मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर एक एटम एक मटेरियल से हम कहते हैं, जो अभी मैंने पीछे कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, तो मैंने कहा एक जगह 5 कूलम था और एक जगह -3 कूलम था चार्ज, एक में पॉजिटिव चार्ज था एक में नेगेटिव चार्ज था। तो ए और बी, जब हमने ए और बी को जोड़ा तो ए का चार्ज 0 हो गया और बी का हमें निकालना था, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रोटॉन्स हैं क्या वो ए से बी की तरफ गए या इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ गए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है जो ट्रेवल कर सकता है? क्या प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है वो एक ए से बी जा सकता है या बी से ए जा सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो इधर से उधर जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? इलेक्ट्रॉन्स ही है, राइट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से एक बार ये देखिएगा कि अगर यहाँ पे 5 कूलम्स ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब 5 कूलम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ए से कहीं और जा चुके थे। क्या आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि पहले ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहा होगा, न्यूट्रल था तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज चले गए कहीं पे, तो 5 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज चले गए तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। हम ये नहीं कह सकते कि 5 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं से प्रोटॉन आए होंगे और इसके पास आ गए होंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हेमा बेटा ब्लर आ रहा है क्या? सभी को बेटा ब्लर आ रहा है? हेमा कह रही है ब्लर आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अपने सर इट्स फाइन, सर क्लियर है। नो सर। ओके बेटा, सर ब्लर। ओके 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 राइट। तो
वापस से मैं आता हूँ कि अगर 5+5 कूलम है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लस कोई प्रोटॉन यहाँ पे आए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें जो ए से बी चले गए होंगे, राइट, और तब ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जबकि बी नेगेटिव -3 कूलम्स हैं, इसका मतलब इसके पास कहीं से एक्स्ट्रा 3 कूलम्स के इलेक्ट्रॉन आए होंगे। क्या सबको ये चीज समझ में आता है? यस सर। इसीलिए मैंने ये जो डायग्राम था ये दिखाया था जिसमें क्या था कि न्यूक्लियस हमारे हमेशा न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं, तो जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होना है, राइट? ओके, नाउ ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, जो हमारी चार प्रॉपर्टीज थी। बेसिक चार्ज हमारा आता है वो हमारा नेगेटिव की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इधर से उधर चार्ज ट्रांसफर होता है, एक ये वाली चीज थी, राइट। अब आते हैं हम कूलम्स लॉ पे। ध्यान से देखिएगा, मैं अगेन ये बता रहा हूं कि ये सिर्फ ओलंपियाड्स के रिगार्डिंग रहेगा, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं आना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। हमने देखा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी हमने आपस जब हमने प्रॉपर्टीज बात कर रहे थे तो हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो रिपेल करता है इसका मतलब दोनों के ऊपर फोर्स लगती है। अगर मैं 1 और 2 की बात करूंगा तो 1 2 के ऊपर फोर्स लगाता है और 2 1 के ऊपर। तो इस फोर्स के लिए हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2, क्योंकि मैंने इस पॉजिटिव को 2 बोल दिया है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मैं इस फोर्स की बात करूंगा तो बोलूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या बच्चों सबको समझ में आ रहा है ये वाली चीज कि कूलम्स लॉ एक्चुअली फोर्स बताता है किसी भी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। अभी हमने बस ये कह दिया था कि ये रिपेल करते हैं, लेकिन वो रिपेल का कितने न्यूटन के साथ करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ाई था कि फोर्स न्यूटन के अंदर कैलकुलेट होती है, तो कितने न्यूटन से वो करता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। सर यस सर। यस सर। तो अब वो फोर्स ये निकालना चाह रहे हैं कि वो फोर्स होती कितनी है। तो हमने देखा कि अगर इस 1 को मैं Q1 बोल देता हूं, इस पे Q1 चार्ज है, इसके ऊपर बोल देता हूं Q2 चार्ज है, तो और इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस बोल देता हूं R, तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, आपको याद होगा F इज इक्वल टू जी एम वन बाय आर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली चार्ज कूलम के अंदर जो कूलम्स लॉ है वो कहता है F इज इक्वल टू जी की जगह एक कॉन्स्टेंट आ जाता है K, और M1 की जगह Q1 आ जाता है, M2 की जगह Q2 आ जाता है, और R की जगह R ही रहता है। क्या सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें Q1 और Q2 तो चार्ज हो गए, Q1 और Q2 तो हो गए हमारे चार्जेस, जो R होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होगा। F जो होगा वो फोर्स होगी बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम। क्या सभी को क्लियर है? और ये जो K होता है ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9×10⁻¹। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो ध्यान से देखिए, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होगी, इज इक्वल टू के को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, चार्ज की यूनिट कूलम, अगेन दूसरे चार्ज की यूनिट भी कूलम, और डिवाइड में मीटर, आर मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर, तो हेंस जो के की यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? नो सर, सर समझ नहीं आया। नहीं आया? नो सर। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो न्यूटन की जो फोर्स होता है, जो न्यूटन की एसआई यूनिट होती है, क्या वो सॉरी फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है क्या वो न्यूटन होती है? यस सर। समझ में आते बेटा?
सिमिलरली जो चार्ज होता है इसकी अभी हमने ऐसा यूनिट अभी पढ़ी है क्या होती है कूलम कूलम राइट कूलम यस सिमिलरली यहां पे मीटर स्क्वायर होती है डिस्टेंस जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है क्या वो मीटर में कैलकुलेट होता है यस सर यस सर स्क्वायर है क्या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यस सर देखो मीटर स्क्वायर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई ये माइनस नहीं है इसको माइनस मत मान लेना ये न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर क्या सभी को दिख रहा है यस सर डाउट है सर को हमारे पास ये के कहां से आया बेटा ये जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट था ना यस सर ऐसे ये वाला के कांस्टेंट होता है ओके सर ठीक है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये लो आपको दिख रहा होगा अभी भी सेंटर में ना हो तो मुझे बता देना अभी मैंने देखा काफी इधर उधर था तो दिखने में सर प्रॉब्लम बच्चों को सर हाँ बेटा बोलो क्या बोला बेटा एक बार वापस बता दो जो ऐसा ही यूनिट है बेटा वो कह रहे हो आप अच्छा ये वाला ओके बेटा मैं क्या कह रहा हूँ ये जो फोर्स है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है आपको याद है फोर्स की एसआई यूनिट हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी न्यूटन होती है यस सर राइट अभी चार्ज की हमने एसआई यूनिट पढ़ी है कूलम होती है तो एक चार्ज की कूलम दूसरे चार्ज की भी कूलम कूलम से कूलम मल्टीप्लाई होगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज होता है वो हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं आपको याद होगा जब हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर किया था जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर तो इसमें जो जी की एसआई यूनिट होती थी वो हमने बोला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर क्या बच्चों को याद है सभी को यस सर तो ये वही है सर में बस किलोग्राम की जगह चार्ज आ गया क्या बेटा आप सबको क्लियर है यस सर ओके यस सर तो वापस से क्या कि कांस्टेंट जो के होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब इसके ऊपर थोड़ा और अगर हम ध्यान से देखो तो ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है राइट साइड में जबकि सेकेंड चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में क्या सबको दिख रहा है ये राइट साइड की तरफ है और ये लेफ्ट साइड की तरफ है आप लोगों के सर ब्लर हो रही है ब्लर हो रही है अभी ठीक हुआ बेटा शायद वो हिल रहा था अभी ठीक है yes, ब्लर है सबका ब्लर आ रहा है क्या बेटा सर ब्लर है सुन लो सर मेरा क्लियर आ रहा है सर ठीक है सर इट्स फाइन ओके बेटा अगेन देखिए बेटा जिनका क्लियर नहीं आ रहा मुझे लग रहा है शायद वो उनका नेट वगैरह का इश्यू होगा थोड़ा सा एक बार देख लेना थोड़ा सा वेट करो वो ठीक हो जाएगा ओके मैं अगेन उस पे आता हूं मैं क्या कह रहा था कि दो चार्जेस हैं एक पे राइट साइड की तरफ फोर्स लग रहा है मतलब जो वन है वो टू की तरफ राइट साइड की तरफ लगा रहा है जबकि टू वन के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ लगा रहा है तो ध्यान से देखें दोनों फोर्स लग रहे हैं दोनों इक्वल हैं ठीक है तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन राइट तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो एफ वन टू है वो बराबर होगी एफ टू वन के लेकिन साइन नेगेटिव लगा देते हैं क्यों क्योंकि एक एक्शन होगी और दूसरी रिएक्शन होगी रिएक्शन राइट थर्ड लॉ क्या कहता है एवरी एक्शन There is equal and opposite reaction. तो F12 बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के अगर हम यही चीज दोबारा एक बार रिवाइज करें थर्ड लॉ में हमने और क्या सीखा था कि जब तक एक्शन लगेगा क्या उसी टाइम तक रिएक्शन लगता रहेगा यस सर
आप सबको याद है? यस सर। जितने टाइम एक्शन लगेगा उतने ही टाइम तक रिएक्शन लगता रहेगा। यस सर। दूसरा एक्शन रिएक्शन, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। अगर आपने दीवार में मुक्का मारा तो आपने दीवार की तरफ फोर्स लगाई और दीवार ने साथ के साथ आपके मुक्के के ऊपर फोर्स लगाई है, हाथ के ऊपर फोर्स लगाई है। ऐसा नहीं है कि दीवार एक सेकंड के बाद निकल के फिर मारती है आपके ऊपर, राइट? तो एक्शन रिएक्शन एट अ वेरी पर्टिकुलर टाइम, उसी टाइम पे एक्ट करती है, और एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक बार हाथ पे लगी और हाथ ने दीवार पे मारी और दीवार ने हाथ पे मारी। तो ये बेसिक तीन चीजें थी जो आप लोगों को इस चीज के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, कभी हो सकता है पूछी जाए। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। युगा जो चार्जेस होते हैं उनपे जो, हाँ बेटा बोलो बोलो, आप बोलो। सर जो चार्जेस होते हैं, जैसे हम फोर्सेस को ऐड करते हैं तो उनकी एडिटिविटी पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है, तो सर चार्जेस पे भी वैसा ही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन बेटा वैसे तो सिंपल एडिशन रहेगा। ओके सर। फिर सर वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे उसका? बेटा वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी फोर्स के लिए आएगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, तो जब हम फोर्स करेंगे तो उस पे वो वेक्टर फॉर्म आएगी। ओके सर। ठीक है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा वो फोर्स के लिए मतलब होगा। वैसे अगर हम चार्जेस को ऐड करते हैं तो सिंपल एडिशन रहता है, क्योंकि चार्जेस हमारे स्केलर है, ठीक है? लेकिन चार्जेस जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, क्या वो वेक्टर था? हेलो, यस सर। हाँ फोर्सेस तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो वो वेक्टर ही था, यस सर, राइट? हाँ तो ओके सर, ठीक है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। राइट नाउ आप देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसका छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो चार्ज है। पहले एक बिल्कुल सिंपल सा करते हैं कि दो कूलम का एक चार्ज है, एक तीन कूलम का चार्ज है, राइट? और दोनों के बीच में से 3 meters का डिस्टेंस है। फोर्स बताइए जल्दी, फोर्स कितना होगा? सर ब्लर। क्या? अच्छा ब्लर है क्या बेटा? नो सर। नो सर, क्लियर है? यस सर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। छोटा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? सर 6 × 10⁻¹⁹। अब बेटा करना पड़ेगा, बेटा मुझे याद नहीं, मैंने तो अभी अभी बनाया। 6 × 10⁻¹⁹। मैं भी देख लेता हूँ। तो फॉर्मूला था के Q1 Q2 / r2। हमारे पास Q1 हमारे पास है +2 coulomb, Q2 है +3 coulombs, r हमारे पास है 3 meters। तो अगर हम फॉर्मूले में डाले तो के की वैल्यू थी 9 × 10⁹। हाँ बोलो बेटा। तो जो यहाँ हम यहाँ पे कूलम का चार्ज ले रहे हैं, हम पूरे एटम का ले रहे हैं या फिर हम एक इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बेटा 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, ठीक है ना? तो ये तो 2 कूलम है, तो इसके अंदर ये पूरे एक मटेरियल का चार्ज होगा जो एक स्फेरिकल फॉर्म में। ओके सर। राइट, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने पढ़ा था कितने थे सर? 6.25 × 10⁻¹⁹. 18, गुड। तो अब 2 कूलम्स के अंदर तो 12.5 × 10⁻¹⁹ होंगे ना, राइट? यस सर। ओके, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, के क्या होगा? 9 × 10⁹⁹ × charge 2, दूसरा Q2 3 / 3² तो 3 × 3 = 9 होता है, तो 9 से 9 डायरेक्टली कट जाएगा, 6 × 10⁹ न्यूटन। क्या सबका यही आया था? सभी को ये चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके, और देखते हैं आगे। सर हाँ बोलो बेटा। तो ये फोर्स रिपल्शन है ना? हाँ बेटा, ये रिपल्शन है, ये रिपल्शन है। अट्रैक्शन होगा, जब भी नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो अट्रैक्शन हो जाएगी। अगर फोर्स में नेगेटिव आ जाता है तो वो अट्रैक्शन हो जाती है, अगर वैसे देखोगे। लेकिन मोटा मोटा अभी, क्योंकि हमें ये दिख भी रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी इसको ऐसे समझ लेंगे लिए कि दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्शन है।
क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब एक चीज और देखना, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझ में आए तो आपको मजा आएगा, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा कि एक चार्ज है Q1, कोई इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने क्या कहा सर, आपने तो कहा कि ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिया, आपने कहा एक वन है दूसरा टू है तो हमने वन और टू भी ले लिया, अब आपने कहा कि भाई दोनों की इक्वल फोर्स लग रही है तो मैंने इक्वल फोर्स भी लगा ली, तो एक ने लगाया F12 ऊपर की तरफ और नीचे लगाया F12। क्या सब लोग को दिख रहा है बेटा? यस सर। वापस से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक इंटेलिजेंट बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, आपकी बात हमने मान ली, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, तो F12 मैंने देखो F12 एक ऊपर थी एक पे नीचे लगा दी, F21 हमने नीचे की तरफ लगा दी, राइट? एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे, डिस्टेंस दोनों की फोर्स अलग अलग, दोनों की फोर्स इक्वल, दोनों की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की फोर्स अलग अलग पार्टिकल पे और एक ही टाइम पे लग रही है, राइट? लेकिन उसने डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लिया, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये वाला डायग्राम तुमने पीछे वाला डायग्राम बनाया था, क्या मतलब कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है पीछे वाले डायग्राम में और इस वाले में? यस सर। क्या डिफरेंस है बेटा? सर पीछे वाले डायग्राम में लेफ्ट और राइट में जा रहे थे, इस बार ऊपर और नीचे जा रहे हैं, इसमें ऊपर और नीचे जा रही हैं। तो अब जो स्टूडेंट था उसने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका अब एक्चुअल में जो हमने जो बताया कि मतलब इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए सही तरीके से बताने के लिए हमने क्या बताया कि जो पॉजिटिव जो चार्जेस पे फोर्स लगती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगती है, फोर्सेस होंगी वो अपोजिट होंगी, ऑब्वियसली उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, उनकी डायरेक्शन अलग होगी, दोनों अपोजिट ऑब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगी, लेकिन दोनों जो लगेंगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो उसके अलोंग भी लगेगी, तो अगर ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू होगा तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन होगा, ये चीज गलत है। क्या ये आप लोगों को समझ में आता है बेटा सभी? यस सर। एक डाउट। हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर यहाँ पे तो हम सेम टाइप ऑफ चार्जेस ले रहे, अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेंगे। देखते हैं, देखो ये पॉजिटिव हो गया। यस सर। ये नेगेटिव हो गया। यस सर। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये फोर्स हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखें तो दोनों क्या दोबारा जिस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं उसी के अलोंग होंगे। यस सर। दोनों का मैग्नीट्यूड अभी सेम होगा। यस सर। ध्यान से देखें तो दोनों की डायरेक्शन अभी भी अपोजिट ही है, एक हमारा लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। यस सर। इस पॉइंट पे बेटा। यस सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और ये हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। क्या सभी को ये चीजें क्लियर है? यस सर। यस। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं। ओके, नाउ अब जो छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें काफी सिंपल सिंपल सी सवाल आएंगे तो वो देखते हैं, ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन लिखो सारे, मैं लिख रहा हूं, आप सब भी लिखें। टू चार्जेस आर कैप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड एंड द अदर इज मेड एट टाइम्स। क्या सभी पढ़ पा रहे हैं? मेरी राइटिंग ज्यादा खराब तो नहीं आ रही बेटा? नो सर। बेटा फुल पेज, बेटा अभी तो इतना ही जरूरत है,
सर अब ठीक है सर. ओके, टू चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. इफ वन ऑफ द चार्जेस इज डबल्ड एंड द अदर इज मेड 8 टाइम्स, राइट, व्हाट विल बी द, what will be the distance so as to exert same force. सर जो पिछले क्वेश्चन में जो आपने बोला था वो गलत होगा, उसका एक बार बता दीजिए वो गलत क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन. कौन सा वाला बेटा? सर वो पिछले वाला जो सबसे टॉप पे आपने किया, ये वाला बेटा. हाँ सर, उसकी एक्सप्लेनेशन बता दीजिए. इसमें एक्सप्लेनेशन क्या थी कि बेटा कि अगर कोई इंटेलिजेंट, बाकी सब बच्चे बेटा ये वाला क्वेश्चन करें, सबने लिख लिया ना, समझ में तो आ गया, बस वो कॉपी में लिखने के लिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ. सही बच्चों ने ये तो लिख लिया, आप सब क्वेश्चन से सॉल्व करिए, मैं सर एक बार और समझा देने का ये तो ऊपर वाला. हाँ मैं वो बता रहा हूँ बेटा, बता ही रहा हूँ मैं ये कह रहा था कि जिनको समझ में आते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं बस बैठ के. ओके, मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए हमने ये कह दिया कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो एक इंटेलिजेंट बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, बिल्कुल सही बात है. मैंने तो उसने क्या किया कि सर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है तो उसमें मतलब दोनों फोर्स अपोजिट होती है, तो उसने अपोजिट एक अप डाल दी और एक नीचे डाल दी फोर्स. दोनों अपोजिट डिफरेंट बॉडीज पे होती है तो देखो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे भी डाल दी है. दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर कर दिया. लेकिन जब ये देखा गया तो ये गलत है, तो इससे ये समझ में आया कि एक चीज और बतानी पड़ेगी. न्यूटन का थर्ड लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही, साथ में एक चीज, एक लाइन और ऐड होती है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट्स अलोंग द लाइन. द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. तो जो फोर्स एक्ट होगी वो जो दो जो लाइन एक ज्वाइन करेगी दोनों चार्जेस को उसके अलोंग ही एक्ट होगी. क्या सभी को क्लियर है बेटा? जिन्होंने पूछा था सब लिख पाए? यस सर. तो अच्छा, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टू चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड एंड द अदर इज मेड 8 टाइम्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस सो दैट दे एक्सर्ट सेम फोर्स. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, आप लोगों को याद होगा जब हम ग्रेविटेशन का क्वेश्चन करते थे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही सवाल करते थे जिसमें हम मास डबल कर देते थे, डिस्टेंस हाफ कर देते थे, तो नई फोर्स पुरानी फोर्स से क्या रिलेशन में आता था. क्या सबको याद है ये वाले क्वेश्चन? यस सर. राइट, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. अगर किसी ने, किसी को वो याद होगा तो ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा. ध्यान से देखते हैं. तो उसने क्या बोला, टू चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस अपार्ट. तो पहले उसने एक चार्ज को हम मान लेते हैं क्यू वन और दूसरे चार्ज को क्यू टू. दोनों का जो डिस्टेंस है उसे हम आर ले रहे हैं, राइट. तो अब जो फोर्स होगी वो क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. क्या सभी को क्लियर है? क्योंकि अभी उसने पहले चार्ज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा था, उसने कहा बस दो चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. तो सर्टेन डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया या आर मान लिया, फॉर एग्जाम्पल चार्ज क्यू वन क्यू टू ही माना. अब देखते हैं, इफ द चार्ज, इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, तो हम मान लिया क्यू वन को मैंने डबल कर दिया, तो क्यू वन डैश जो होगा, जो दूसरा चार्ज होगा वो डबल हो जाएगा. तो डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 2Q1. सिमिलरली Q2 जो चार्ज है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो Q2 इज 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स Q1. कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, गुड बेटा. अब नाउ जो R डैश है, R डैश, राइट, अब R हमने निकालना है कितना परसेंट होगा, तो इसको R डैश ही रहने देते हैं. नाउ फोर्स हमें सेम लगानी है, सेम लगेगी जो पहले लगी थी, तो जो एफ डैश फोर्स होगी वो एफ के बराबर ही होगी. एफ डैश फोर्स क्या होगा, वापस से इस पूरे को के के क्यू वन क्यू टू के बराबर डाल देते हैं, तो एफ डैश जो होगा वो तो होगा के क्यू वन डैश क्यू टू डैश अपॉन में आर डैश. अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं, एफ डैश तो हमारा एफ के बराबर था और एफ की वैल्यू हमारी क्या थी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. वही हमारे पास
तो आर डैश का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू वन हमारा, ओके नीचे दिख नहीं रहा, ओके राइट, अभी दिख रहा है बेटा, यस सर, टू क्यू, उसके बाद अगला है ये टू क्यू वन हो जाएगा, अगला हो जाएगा एट क्यू टू, एट क्यू टू हो जाएगा, और उससे अगला आर डैश का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, के से के कट गया, क्यू वन से क्यू वन कट गया, क्यू टू से क्यू टू कट गया, बचा क्या, वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट टू जा 16 डिवाइडेड बाय आर डैश का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, आर डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर, स्क्वायर रूट करेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू 4 आर। तो जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल डिस्टेंस के। क्या सभी का ये आंसर आ गया था? यस सर। क्या सभी का आंसर आ गया था? यस सर। ओके गुड बेटा, नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक ओलंपियाड में आया था, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम फोर्स, कितनी सबसे छोटी फोर्स कितनी लगाई जा सकती है, फाइंड द मिनिमम फोर्स दैट टू चार्जेस, फाइंड द मिनिमम फोर्स दैट टू चार्जेस कैन एग्जर्ट ऑन ईच अदर वन मीटर अवे। चलिए आप लोगों को पांच दो मिनट देता हूं मैं, कोशिश करिए निकालने की। सभी को दिखाई दे रहा बेटा? Find the minimum force that the two charges can exert on each other 1 meter apart. सभी बच्चे शांत हैं, कर रहे हैं क्या बेटा सभी? यस सर। ट्राई करो सभी के सभी, एक मिनट और दे रहा हूँ, एक मिनट हो गया है। सर 23.04 into 10 to the power minus 29। माइनस 29। maybe बाकी सब देखें। मेरे पास एक्चुअली आंसर लिखे नहीं हुए तो मैं निकालूंगा ही। चलिए अब निकाल के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें ट्रिक क्या थी, फाइंड द मिनिमम फोर्स, जो सबसे छोटी फोर्स कोई दो चार्ज आपस में लगा सकते हैं। ध्यान से देखना, जो सबसे छोटे चार्ज हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं बेटा? एक मिनट, क्या सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो सकता है या एक प्रोटॉन के ऊपर हो सकता है? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा, राइट? वापस से, और दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है 1 मीटर का, तो फोर्स इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आ ही गया था हमारा,
चार्ज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर. तो ध्यान से देखें 9 तो हमारा अलग है, 10 की पावर 1.6 into 1.6 into 10 की पावर 19 तो माइनस 38 और प्लस 9 1 तो हमारा कैंसिल आउट ही हो जाएगा. क्या सभी ने ऐसे ही किया हुआ है? यस सर. यस सर. तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 29 तो कितना आया था आप लोगों का? मैं डायरेक्ट आंसर 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम. यस सर. क्या सभी का यही आया? यस सर. यस सर. न्यूटन. कभी भी कुछ ऐसी क्वांटिटी में अगर जब भी आंसर आए तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में जरूर कन्वर्ट करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी बताई थी, जिसमें हम सिर्फ एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाते हैं. क्या याद है सभी को? यस सर. तो इसको भी हमेशा उसी चीज में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे. राइट. तो आंसर अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो वो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 28 न्यूटन. राइट. क्या सभी को क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so आज हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं. आप जो आप आज का लेक्चर जब खत्म होगा तो आपके ऊपर क्वांटाइजेशन के ऊपर आपके पास काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. जो मैंने आपको क्वांटाइजेशन पार्ट कराया है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. तो इसके ऊपर थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा. राइट. इसके ऊपर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जो उस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी और आपको ध्यान रखनी है. ध्यान से देखिएगा जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी. सबसे पहली चीज जो आएगी क्वेश्चंस के अंदर वो पूछा जाएगा अल्फा पार्टिकल के बारे में. अल्फा पार्टिकल. अब हो सकता है आप लोगों के लिए अल्फा पार्टिकल नया हो. राइट. अल्फा पार्टिकल क्या होता है ध्यान से देखिएगा. अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर प्लस 2 चार्ज होता है. डबली चार्ज. हीलियम आयंस. हाँ, हीलियम आयंस चार्ज. हीलियम आयंस इस पे प्लस 2 चार्ज होता है, या फिर मैं इसे हीलियम आयन भी कह सकता हूं. 2-4 का, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा या प्लस 2 का चार्ज होगा. तो प्लस 2 का चार्ज मतलब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 प्रोटॉन बचे हुए हैं. क्या सभी को क्लियर है? यस सर. पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव 2 मतलब पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं. ये वाला जो पार्ट होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. यस सर. यस सर. दिस इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या फिर इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह देते हैं इसी को. सर मास नहीं, इसी को. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी के बराबर होते हैं ना बेटा. ऊपर वाला होता है 4 जो है वो है मास नंबर, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो चीजें. इसके बाद एक चीज और है, एक होता है मोल. आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत मोल के बारे में, कुछ सुना है बेटा? एक सेकंड बेटा, जिसको नहीं पता वो बस ये ध्यान रखना कि 1 मोल हमेशा पार्टिकल्स के बारे में बताने के लिए होता है. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. हाँ बेटा बोलो. सर बट हम कई जगह 6.022 भी लेते हैं, तो वो ले सकते हैं बेटा? वो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्यूरेसी में इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे उसकी परेशानी मत लेना. ठीक है. ओके सर. अब जैसे अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है ध्यान से देखना. अभी मैंने जो वहां डाला है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ. कोई तुमसे पूछे बताओ 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन के अंदर, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन मतलब O2, मतलब ऑक्सीजन के दो पार्टिकल हैं एक O2 के अंदर, ऑक्सीजन सिंगल सिंगल पार्टिकल एक साथ मिलकर दो बॉन्ड बना रहे हैं, क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है? Yes. O2 गैस राइट. तो अब क्या है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है, कितने कूलम पॉजिटिव चार्ज है निकालना है. वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर, O2 गैस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना. तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 हम कह रहे हैं, तो कितने पार्ट मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल्स होंगे. क्या सभी को इसी समझ में आ रही है, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है दो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है राइट. ओके यस सर. तो अब एक मॉलिक्यूल अब ऑक्सीजन राइट 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 अब ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा, 16 बोलते हैं. तो एटॉमिक नंबर हमारा 8 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पार्टिकल के अंदर 8 प्रोटॉन होंगे. वन ऑक्सीजन पार्टिकल या वन ऑक्सीजन एटम के अंदर हमारे कितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन्स राइट. यस सर. सिमिलरली 8 ऑक्सीजन सॉरी अब हमारा O2 है, तो O2 के अंदर दो ऑक्सीजन पार्टिकल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन O2 था, दो पार्टिकल्स होंगे, तो दो ऑक्सीजन एटम्स या फिर हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल के अंदर, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम के अंदर 16 क्या 8 × 16 प्रोटॉन्स होंगे. क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Again repeating it, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 होता है, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे, दो ऑक्सीजन एटम मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें 8 × 2 प्रोटॉन्स होंगे, तो वन मोल के अंदर कितना हो जाएगा, 6.023 × 10³³ × 8 × 2. क्या सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? तो 8 × 2 = 16, तो 16 × 6.023 × 10³³ कूलम्स ऑफ चार्ज. 16 × 3 = 48, 32, 36, 16 × 6 = 96 × 10³³ कूलम, तो 9.6368 × 10⁴ कूलम. क्या सभी को समझ में आया ये? यस सर. किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर. नो सर. ओके. एक चीज और बस ध्यान रखना कि और एक चीज थी क्या था राइट एक चीज ध्यान रखना कि 1 cm³ जिसको हम 1 cc भी लिखते हैं, ये 1 g के इक्वल होता है. सर. हाँ बेटा. सर इसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक प्रोटॉन के चार्ज से मतलब. वो नहीं किया हमने? नहीं सर, ये तो वो आया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए ये तो. राइट. यहाँ तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही निकाले हैं. ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमें 1.6 × 10⁻¹⁹ भी करना पड़ेगा. राइट. गुड बेटा. तो ये कूलम नहीं आएगा, अभी इसके बाद कूलम लगेगा. राइट. 1.6 × 10⁻¹⁹ सर ये 151.41888 × 10⁵ कूलम आएगा. 151.41888 वो तो कोई बात नहीं, इतना तो पावर 5. तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, तो 1.51 × 10⁻⁷ कूलम.
राइट थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पर. तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, उसके बाद उसमें चार्ज मल्टीप्लाई करना हमसे रह गया था. तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे. दूसरा एक और क्वेश्चन के बारे में बता रहा था क्या, कि 1 cm³ जो होगा वो 1 cc के बराबर होगा और 1 cc 1 gram/7 होगा. क्या बेटा? 1.51 × 10⁻⁷ होगा. हाँ बेटा, क्योंकि वो 1.6 पिछली बार हमने चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कैलकुलेट करके रह गए थे. अच्छा सर, ठीक है ना, ये तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कैलकुलेट किए थे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था. एक 8 प्रोटॉन एक एटम के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर 16 होंगे. ये तो सिर्फ हमने नंबर ऑफ मोल्स ही, नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट करे थे प्रोटॉन्स. तो जो चार्ज था उसके लिए चार्ज से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो एक्चुअली ये जो पार्ट था ये एन था. आप लोगों को याद है क्यू इज इक्वल टू एन ई. सब यस सर. क्या इज आई क्वांटाइजेशन में? हाँ, तो क्वांटाइजेशन में क्यू इज इक्वल टू एन ई पढ़ा था ना हमने, तो ये वही चीज है. क्या सभी देख पा रहे हैं मुझे? यस सर. दोबारा हैंग हो गई है मेरी स्क्रीन. यस सर. बेटा मैं दोबारा एक बार, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. यस सर. बेटा अभी अभी काम अभी नहीं कर रही है इसमें, बस ये लास्ट ही था कि 1 cm³ जो होगा वो 1 cc के बराबर होगा और 1 cc 1 gram के बराबर होगा. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बोला गया होगा कि 1 cm³ ऑफ वाटर है, तो मैं ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 cm³ ऑफ वाटर मतलब वो 1 gram ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं. यस सर. क्या सभी को क्लियर है? यस सर. यस सर, क्लियर. राइट. तो अब जाके एक बार जब आपका ये लेक्चर खत्म होगा, अभी थोड़ा रेस्ट करना, और उसके बाद जब भी टाइम लगे तो आपकी डीपीपी मैंने लाइव करवा दी है, वो डीपीपी करना, और फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. राइट. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. सभी घर पे सेफ रहिएगा. राइट. सभी ध्यान रखिएगा अपना, कोई ज्यादा बाहर ना, कोई बाहर ना जाए, और सभी ध्यान. राइट सर. डीपीपी को भी कि हम साइड पे, केल्विन के साइड पे. बेटा डीपीपी आप एक बार कंफर्म कर लेना. वैसे ये आपकी जो केल्विन की वेबसाइट है जो आपको लॉगिन मिला हुआ है ना बेटा? यस सर. ईकाइट्स वाला? हाँ जी, ईकाइट्स वाला. शायद उस पे ऐप पे भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा. वैसे आप वेबसाइट से करोगे तो ज्यादा आराम से आएगा शायद. बाकी एक बार आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर्ट सर से कंफर्म कर लीजिएगा. ओके बेटा. ओके सर. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू. ओके.